हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो बाबा रामदेव की सफाई आपने सुनी, आगे बढ़ते हैं। समय की एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर विरोध प्रदर्शन किया है। दिल्ली से हमारी संवाददाता अंजलि सिंह ने हमें एक रिपोर्ट भेजी है, वो आप देखिए। आम आदमी पार्टी आज पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए दामों के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। आम आदमी पार्टी मुख्यालय के बाहर फिलहाल ये प्रदर्शन चल रहा है और दिल्ली सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम इस समय यहाँ पर मौजूद है। एक बड़ी चुनौती सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की भी है। इस बीच में सर, आप लोग डीजल पेट्रोल के दामों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं आप केंद्र सरकार? हम लोग केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल के दाम कम करे, अपना टैक्स कम करके देश की जनता को राहत दे। क्योंकि अब से लगभग 15 साल पहले जब लगभग इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम $135 प्रति बैरल के आसपास थे, तब भी देश के अंदर ₹70 प्रति लीटर के आसपास पेट्रोल मिल जाया करता था। आज लगभग $100 प्रति बैरल कम में देश को कच्चा तेल उपलब्ध है। उसके बाद भी अगर दाम ₹80 के आसपास है तो केंद्र की सरकार कितना बड़ा मार्जिन ले रही है, जबकि केंद्र सरकार का पैसे की कमी नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट्स को फिर भी दिक्कतें आ रही हैं। तो ऐसे में केंद्र सरकार को पिता की भूमिका निभानी चाहिए और पूरे देश के लिए, गरीब लोगों के लिए राहत पैकेज लेके आना चाहिए, पेट्रोल डीजल के दाम कम करने चाहिए ताकि लोगों को मदद मिल सके। क्योंकि जितना भी सामान मार्केट में सप्लाई होता है, चाहे वो खाने का सामग्री हो, चाहे दूसरी सामग्री हो जो गाड़ी से लोरी से आती है, उसमें जो उसका जो किराया है, जब वो किराया बढ़ जाएगा तो सप्लाई जो आती है, जो रेट है, हर चीज के दाम बढ़ जाएंगे, सब्जी के दाम बढ़ जाएंगे, अनाज के दाम बढ़ जाएंगे। अल्टीमेटली मार जनता के ऊपर पड़नी है, तो केंद्र सरकार को सोचना चाहिए कि जनता पे मार क्यों डाल रही है केंद्र सरकार। आप केंद्र सरकार से उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन ये बताइए, दिल्ली सरकार ने जो 30% वैट कर दिया है डीजल, पहली बार ऐसा है कि पेट्रोल से ज्यादा महंगा हो गया है। 30% वैट दिल्ली सरकार भी तो वसूल रही है सर, दिल्ली की जनता को भी तो राहत चाहिए कोरोना के समय। देखिए, स्टेट गवर्नमेंट्स का ऑलरेडी रेवेन्यू बहुत ज्यादा घट चुका है। स्टेट चलाना, एम्प्लॉइज की तनख्वाह देना और सारा कोरोना पे जो खर्च हो रहे हो, सारे खर्चे भी उठाने हैं। 30% वैट जायज है। मेरी बात सुनिए, आप पहले देख लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कच्चा दाम कितना, कच्चा तेल कितने रेट पे मिल रहा है और रिफाइंड करने के बाद कितने में पड़ रहा है, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट कितना टैक्स ले रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए अपने टैक्स में कमी करे, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसे की कमी नहीं है। दिल्ली की जनता सेंट्रल गवर्नमेंट को लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपया सालाना टैक्स के रूप में देती है, तो दिल्ली को राहत की जरूरत है, देश की जनता को राहत की जरूरत है राहत की। तो केंद्र सरकार को पिता की भूमिका निभाते हुए राहत देनी चाहिए जनता को और पेट्रोल डीजल के दाम कम करने चाहिए। दिल्ली में कौन पिता की भूमिका निभाएगा सर, दिल्ली सरकार को भी सोचना चाहिए। दिल्ली सरकार तो सोच ही कर ही रही है सारा। आप देखिए, लगभग 24 लाख लोगों को रोज खाना हमने वितरित किया है, आज भी स्कूलों के अंदर खाना वितरित किया जा रहा है, बेड्स बढ़ाए जा रहे हैं, सारी तरह की सुविधाएं की जा रही है। तो एक रिवेन्यू घटने के बावजूद इतना सारा खर्चा दिल्ली सरकार कैसे कैसे कर पा रही है, आप उसको समझिए। केंद्र सरकार को समझना चाहिए, केंद्र सरकार ने कोरोना के टैक्स के पैसे के रूप में मदद दी है बाकी राज्यों को, दिल्ली सरकार को तो नहीं दी। तो ऐसे में अगर केंद्र सरकार एक पिता की भूमिका निभाए और पेट्रोल डीजल के दाम करे तो पूरे देश को फायदा होगा, पूरे देश की जनता को मदद करनी चाहिए।